जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज एक बहस चल रही है और इंडियन मीडिया इसको बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि जी यूएई जो है वो पाकिस्तान से $1 बिलियन वापस ले लेगा, और जो कि इस महीने में वो डेट जो थी वो ओवर होनी थी, उन्होंने मांगना था। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि यूएई $1 बिलियन ले लेगा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को सऊदी अरब ने और यूएई ने बड़ा बूस्ट किया था जब उन्होंने हमें कैश दिया था ताकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ सकें, और हमें ऑयल भी फ्री में दिया था, नॉट सॉरी फ्री, डेफर्ड ऑयल फाइनेंसिंग की थी। सो ये जो ऑयल की फैसिलिटी मिलना, कैश मिलना, इससे हमें एक जो स्टिमुलस मिला था हमारी इकोनॉमी को, ये एक बड़ा पॉजिटिव चीज थी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान इसी तरह से हमेशा जो है वो सऊदी अरब से, यूएई से, चाइना से पैसे मांग के गुजारा करके थोड़ी देर के लिए चीजें करेगा, या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये वो एक डिस्कशन है जो जाहिर बात है कि पाकिस्तान के ब्रॉडर जो फ्रेमवर्क है उसमें कभी डिस्कशन होती नजर नहीं आई, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर ज्यादातर जो है वो सियासी जमातें आपस में लड़ती रहती हैं, वो जो एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क में चीजें सोचनी होती हैं मुल्क के लिए वो नहीं सोची जाती। मिसाल के तौर पे रिसेंटली हमें सऊदी अरब ने कहा जी कि हमें हमारे पैसे वापस कर दें, उसकी वजह ये थी कि सऊदीज हमसे नाराज थे बिकॉज वो हमें इसराइल के लिए कह रहे थे कि आप इसराइल को रिकग्नाइज करें। तो अब जारी बात है, जब आप किसी से पैसा लेते हैं तो फिर आपकी ऑटोनॉमी तो खत्म हो जाती है, आजादी खत्म हो जाती है, सिंपल सी बात है। सो हमने जो सऊदी से पैसे लिए उन्होंने हमें रिटर्न में सवाल डाल दिया, यूएई से पैसे लिए उन्होंने रिटर्न में हमें सवाल डाल दिया कि आप अपनी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी खो गए हैं लिहाजा आप हमारे साथ चलें और आप अपने नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज और फॉरेन पॉलिसी जो इशू है उन पे कंप्रोमाइज करें। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, जो पैसे लेंगे जब हम उनसे मांगेंगे कोई चीज तो हमें रिटर्न में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि हम उनके पैसे भी ले जाएं और अपनी चलाते रहें और उनकी ना सुने और उनको जो है वो चीज में वो तो नहीं सुनेंगे। आपको पता है रिसेंटली उन्होंने हमारे वीजा बैन कर दिए यूएई ने, और डिस्पाइट द फैक्ट के शाह महमूद कुरैशी गए थे यूएई और वहां जाके बात की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही एक प्रोसीजर चल रहा है। सो हमें, मेरा ख्याल है कि जो एक इसके ऊपर लॉन्ग टर्म फैसला होना है कि क्या हमें हमारी इकोनॉमी को क्या चाहिए। भारतीय मीडिया इसको बहुत हाईलाइट कर रहा है और वो जारी बात है भारत का एक अपना नैरेटिव है कि वो चाहते हैं कि, और वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर है, हम जनाब बेकारी हैं, हम ये हैं वो हैं। मेरा ख्याल है किसी मुल्क के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे साथ कुछ कॉन्टिन्यूसली कुछ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दिस इज समथिंग वेरी अनफेयर। अगर हम अपने साथ सीरियस नहीं होंगे, अगर हमने अपने आप को सीरियस नहीं लिया तो हमें कोई बंदा दुनिया में सीरियस नहीं लेगा। हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है वो बड़े थोड़े से कोई 13.5-14 अरब डॉलर की बात हो रही है कि इतना रिजर्व पड़ा हुआ है, और वो भी जो ज्यादातर है वो लोन लेके रिजर्व पड़ा हुआ है। तो किसी भी इकोनॉमी को अगर देखना हो तो लोग कहते हैं जी कि वहां पे देखें कि उसकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, वहां पे कितना पैसा पड़ा हुआ है कि अगर हम वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर हम वहां पे तो हमें कोई कल को बेल आउट मिल सकता है, उस हुकूमत की कितनी स्टैंडिंग है। सो ये जो चीजें होती हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया, आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट हो गया, ये इस तरह के जो बड़े बड़े इन्फ्लेशन का जो रेट हो गया, हमारी इन्फ्लेशन भी जो है वो 10% है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। अगर डबल डिजिट इन्फ्लेशन हो तो चीजें कैसे हम पूरी करेंगे? फिर हम यूएई से पैसे लेते हैं वापस करेंगे तो हमें फिर चाइना से पैसे लगेंगे, सॉफ्ट लोन लेना पड़ेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म चीज के लिए तो अच्छी चीज नहीं है, हमें इसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं, देखें इस साल जो पिछला साल गुजरा है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत बुरी रही है। हम 2018 में 5.5 थे, 2020 में हम -0.4 चले गए। खैर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इतनी ऐसी रही कोविड की नजर, लेकिन
ایون کہ بنگلہ دیش اور بھوٹان اور نیپال کی اکانومی پازیٹو میں رہی. ہماری اکانومی میں اتنی جان نہیں ہے, اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ ہم اس کو مضبوط رہ سکے, کیونکہ اگر لانگ ٹرم ہم نے اکانومی کو لے کے جانا ہے, جتنی اسٹرانگ انڈسٹری ہوگی, جتنی زیادہ ایکسپورٹ ہوں گی, اتنی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اکانومی اوپر آئے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا, یو اے ای, سعودی عرب تو ہماری مدد کر رہے ہیں, آئی ایم ایف سے ہم نے لون لیا ہوا ہے, چلو ٹھیک ہے وہ بھی ہمیں مدد کر دیں گے, لیکن آئی ایم ایف کی بھی اتنی سخت جو آتی ہیں شکیں آتی ہیں کہ اس میں ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے. اور وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی آپ سبسڈی ختم کریں, آپ اپنے عوام کو کوئی فیسلٹی نہ دیں. وہ فنڈامنٹلی وہ تھریٹیکلی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے اکانومی تو ٹھیک کر لیں, آپ لوگوں کو پہلے سبسڈی دی جاتے ہیں جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے اگر آپ کی اکانومی ڈلیور نہیں کر رہی. تنہائی نہیں بڑھی, اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہونے شروع ہو گئے. سو اس کو جو مجھے چیز نظر آتی ہے اور میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمیں جس کو لے کے جانا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ٹیکس نیٹ بڑا کرنا پڑے گا. اگر آپ کا ٹیکس نیٹ بڑا نہ ہوا اور آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ اسی طرح 1. اس سال وہ کہہ رہے ہیں 2021 میں کہہ رہے ہیں 1.5-2% کے قریب ہوگی, اور یہ اگر یہ 1.5-2% کے قریب ہی ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ رہی اور ہمیں فائدہ کچھ نہ ہوا تو ہمیں تو چیلنجز ہیں. ابھی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی ہم بات کرتے رہتے ہیں, سی پیک, اچھا پروجیکٹ ہے, اس کا فائدہ ہے ہمیں, لیکن سی پیک کا ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے روڈ انفراسٹرکچر بن گیا, ہماری انرجی ریکوائرمنٹس پوری ہوگی, لیکن جب تک انڈسٹری نہیں لگے گی, وہ جو وہاں پہ بنے ہوئے ہیں انڈسٹریل زونز بننے ہیں, وہ انڈسٹریل زونز اگر نہیں بنیں گے اور ان میں انڈسٹری نہیں لگے گی تو ہاؤ کم وی آر گوئنگ ٹو ہیو این ایکسپورٹس. اس ایکسپورٹ کے لیے ہمیں پوری دنیا میں ایک وہ ہم لوگوں کو اگر یا تو ہو اپنی اندر ہماری اتنی جان ہو اکانومی کے کہ ہم جو ہے وہ اپنا کر سکیں, انڈسٹری لگا سکیں, لیکن اکانومی کے اندر اتنی جان نہیں ہے کہ لوگ انڈسٹری لگائیں. حالانکہ انڈسٹری لگانے سے ان کو ایک فیوریبل انوائرمنٹ ملے گا, انرجی ملے گی, گیس ملے گی, بجلی ملے گی, ٹیکسیشن میں چھوٹ ہوگی, ایکسپورٹ کریں گے تو ہوگا, لیکن پرائمریلی اوور دا پیریڈ آف ٹائم ہمارے لیے ایک لارجر ہم ایک فکس میں آ گئے ہیں, اور وہ ہم اس میں اس لیے آ گئے ہیں کہ ہم نے اپنی ٹیکس نیٹ نہیں بنایا. ابھی آلموسٹ پاکستان کا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹیکس نیٹ جو ہے ہمیں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ وہ 700 ارب روپیہ, جو 700 ٹریلین ہے, 700 ارب روپیہ ہمیں, 7 ٹریلین روپیز ہمیں چاہیے ہمارا بجٹ ہوتا ہے. ہماری کلیکشن ہوتی ہے 4 ٹریلین کے قریب, ارب کے قریب. اب 3 ٹریلین کا تو یہی خسارہ ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کا بیسک اسٹرکچر اسٹیٹ رن کرنے کے لیے چاہیے, اس کے اوپر آپ کو پیسہ چاہیے آپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے, پھر اس کے لیے مزید لون لینے پڑتے ہیں. تو پاکستان پچھلے کتنے سالوں سے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک تو ہمارے ٹیکسیشن نہیں کٹی ہوئی, ہمارا ٹیکس نیٹ نہیں انکریز ہوا, اور کبھی بھی ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہیں وہ ریونیو کے برابر نہیں ہے, ریونیو کبھی بھی اتنا نہیں بڑھا. مسلسل ہم جو ہے وہ لون پہ لون لیے جا رہے ہیں, اور ابھی تو اتنا لون لے رہے ہیں کہ ابھی تو بینکوں کے انٹرسٹ دینے کے لیے بھی لون لیے جا رہے ہیں. سو ہمارا تو مذاق اڑے گا, لوگ تو ہمیں کہیں گے, لوگ ہمیں باتیں کریں گے کہ یہ کیسا ملک ہے جس نے اپنا بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور پھر ہمیں اپنی آنر, اپنی ریسپیکٹ, اور ہمیں اٹانمی, فارن پالیسی چوائسیز پھر گروی رکھنی پڑتی ہیں. پھر ہمیں کشمیر کے اوپر مدد نہیں ملے گی, پھر ہم دنیا کو بتائیں گے تو صحیح, لیکن کشمیر کے اوپر ہمیں مدد نہیں ملے گی. ہمیں جو ہے وہ اور چیزوں کے اوپر اگر ہم کہیں گے جی بھارت کے مقابلے میں ہم چاہتے ہیں جی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہو, تو انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ کیسے کھڑی ہوگی؟ سو ریاست کو, اسٹیٹ کو, اپنے آپ کو, لوگوں کو اپنے آپ کو سیریس لینا پڑے گا, اور یہ واقعی سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ایک بڑا ٹیکس پول نیٹ بنانا ہے, ایک بڑا ٹیکس نیٹ بنانا ہے, اس ٹیکس نیٹ میں پیسہ پھینکنا ہے تاکہ ہم اس قابل ہو سکیں. جتنا زیادہ پیسہ اکٹھا ہوگا اتنے پھر باہر سے لوگ آئیں گے, پھر اپنی اکانومی کو ڈیجیٹائز کرنا ہے. جتنا زیادہ ڈیجیٹائز کریں گے, ابھی دیکھیں نا فار ایگزامپل پاکستان کی پے اکانومی اتنی چھوٹی ہے کہ پے فال پاکستان میں آتا ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے. یعنی کہ ان کو یہ ہے کہ یہاں پہ اتنا کسٹمر ہی نہیں ہے. پاکستان میں میرا خیال ہے جو کریڈٹ کارڈ کسٹمر ہے وہ بھی بڑے کم ہے, ٹھیک ہے جی. سو یہ جو چیزیں ہیں جو ڈیجیٹائزیشن ہمیں چاہیے, ہمیں میسو ڈیجیٹائزیشن چاہیے,
और हमें अपनी इकोनॉमी को मैसिवली रिफॉर्म करना है। और जिस तरह भारत के अंदर हम एंटरप्रेन्योरशिप सुनते हैं कि जी वहाँ पे बड़ा लोग जो हैं वो और पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट भारत, इंडिया, अमेरिका, यूरोप, पूरी दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप होता है, हमें अपने लड़कों को इनकरेज करना पड़ेगा कि भाई आप लोग आइडिया सोचें और बिजनेस सोचें। हमारी इकोनॉमी का प्रॉब्लम यह है कि हमारे पाकिस्तान में हर बंदा नौकरी करना चाहता है, वो कारोबार नहीं करना चाहता। तो ये जो रियासत का, स्टेट का जो मोड होता है ना, हमें इस मोड से बाहर आना पड़ेगा कि क्या हमें नौकरी करनी है या हमें कारोबार करना है। तो जो लोग ये सोचेंगे कि हमें कारोबार करना है, जब बच्चों के दिमाग में हम ये डालेंगे तो वो डेफिनेटली वो बिजनेस की तरफ जाएंगे। जिस तरह हमने भारत में सुना कि वहां जी गुजरात है, गुजरात में वो कहते हैं जी कि नहीं बिजनेस होगा, इस तरह हमारे कराची में जी जो कराची के मेमन मशहूर हैं या शेख मशहूर हैं, भारत के गुजराती मशहूर हैं और बहुत सारे वहां पे होंगे जो हमने सुने हैं। तो हमें फिर यूएई को तो लोन, अगर उम्मीद है कि पाकिस्तान नहीं, वो यूएई हमसे पैसे मांगेगा, जो कि मेरे सुनने में भी आ रहा है और मेरी इंफॉर्मेशन भी है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम जो एक साल की एक्सटेंशन ले लेंगे यूएई से। अगर एक साल की एक्सटेंशन ले लेंगे तो दिस इज गुड, लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग वी विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस वे, कि यहां से पकड़ा और वहां दे दिया, वहां से पकड़ा और वहां दे दिया, चीन हमारी मदद करेगा तो फिर हमारे पास वी विल हैव टू रीथिंक। ये किसी ने हमारी मदद करने को नहीं आना, हमें अपनी मदद खुद करनी है और हमें अपनी मदद खुद करने के लिए बड़े बड़े मोटे मोटे फैसले लेने हैं ताकि कल को हमें दुनिया को पता चल सके कि भाई इस मुल्क ने, अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारी इतनी बड़ी फौज है, हमारी सोसाइटी इतनी बड़ी है, हम लोग आबादी इतनी ज्यादा हो रही है, हमने अगले 30 साल में 40 करोड़ के ऊपर चले जाना है, हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट तो हमारी दिक्कत कितनी है, तो हम क्यों अपना मजाक बना रहे हैं और फिर हम दुनिया के सारे ममालिक हमारा मजाक उड़ाएंगे। वही अरब ममालिक जिनको, अरबों को हम बद्दू कहते थे, वो अब हमें कहते हैं भाई हमारे पैसे वापस करो, हम तुम्हें लोन नहीं देंगे, हम तुम्हें ये फैसिलिटी नहीं देंगे। और फिर दोस्त क्या दुश्मन क्या सभी एक जैसे समझते हैं, पैसे लेना किसी से इतना आसान नहीं होता, कोई दोस्त हो या दुश्मन हो। यूएई, सऊदी अरब भले पाकिस्तान के दोस्त हो लेकिन वो भी थक गए यार, ये क्या हर वक्त पैसे मांगने आ जाते हैं, इनके फाइनेंशियल नीड्स नहीं पूरी होती। मुझे याद है नवाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह आईएमएफ प्रोग्राम, इमरान खान साहब भी आईएमएफ प्रोग्राम, उससे पहले जरदारी साहब भी आईएमएफ प्रोग्राम, मुशरफ ने कहा जी कि हम वापस करेंगे, आईएमएफ को क्लियर किया था, लेकिन वो भी इकोनॉमी के अंदर इतनी सस्टेनेबिलिटी नहीं थी। सो हमें सीपैक का भी फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर हमारी इंडस्ट्री काम करेगी, हमारे अंदर सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा। सो यूएई हमसे एक अरब डॉलर वापस लेना है तो ले ले, हम जारी बात है वो भी कर्जा लेके देना पड़ेगा क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो है ही नहीं है, और वो जो रिजर्व है वो हमने यहाँ तो लोकल बैंकों से लिए हुए हैं या बाहर से के लिए हुए हैं। सो पकड़ दकड़ के वो पैसे तो वहां रख दिए, लेकिन दिस इज अ वेरी सीरियस चैलेंज फॉर द एंटायर स्टेट। हमें सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमें किस तरह चीजों को मैच्योर करना है, और वो मैच्योर हम तब कर सकते हैं अगर हमारा टैक्स नेट बड़ा होगा, उस टैक्स नेट में हम पैसा ज्यादा जो है वो कमाएंगे और पैसा ज्यादा जमा करेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, तो देन जाके ये चीजें हो सकती हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स मूव। बट मैंने, क्योंकि इंडियन मीडिया में बहुत ज्यादा चल रहा था, तो आई थॉट कि आई शुड शेयर माय थॉट्स ऑन दिस कि ये क्या है, ये $1 बिलियन लोन हमसे ले रहे हैं। तो अगर जारी बात है जो कमिटमेंट्स की होती हैं वो पूरी करनी चाहिए, वरना कल को हमें कमिटमेंट्स पूरी नहीं करेंगे तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या जो स्टेट्स होती हैं वो दे आर अनएबल टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर नेक्स्ट टाइम, अगर हम दोबारा उनके पास इस तरह की चीजें लेने, कर्जा लेने चाहेंगे। सो द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज विद ऑनर, विद डिग्निटी, वी हैव टू लुक इन टू आर इकोनॉमी, तब जाके लोग हमारी इज्जत करेंगे, तब जाके लोग हमें पूछेंगे कि भाई यस यू हैव टू, आप रिस्पेक्टेबल बंदे हैं क्योंकि आप अपने खर्चे खुद पूरे कर रहे हैं। एक छोटी सी मिसाल है ना, एक बंदा अगर घर में काम कर रहा है, वो मुसलसल अगर किसी से पैसे मांग मांग के जिंदगी गुजार रहा है, तो उसकी कितनी कोई इज्जत होगी, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। सो ये चीजें हमें एज ए नेशन सोचनी है ताकि लॉन्ग टर्म हम दुनिया के में जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो भी कर सकें, हम अपने दुश्मनों का भी मुकाबला कर सकें, और हम अपनी रियासत को भी मजबूत बना सकें और आइंदा आने वाली नस्लों के ऊपर भी पैसा लगा सकें। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।